कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रति अभद्र टिप्पणी पर नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक का पुतला फूंका। भाजपा नेताओं ने कहा, उत्तराखंड में किसी भी अभद्रता और गुंडागर्दी स्वीकार नहीं की जाएगी। खटीमा के मुख्य चौक पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नगर मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी तथा किशोर जोशी के नेतृत्व में द्वाराहाट के विधायक का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया था और द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के घर पर जाकर उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसके विरोध में विधायक मदन बिष्ट और कांग्रेस का पुतला जलाया गया। मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला दहन किया गया है, ये हमारे उत्तराखंड में द्वाराहाट विधानसभा के विधायक मदन सिंह बिष्ट जी के द्वारा कल अपना जो द्वाराहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके निदेशक जी के साथ गुंडागर्दी के की गई है, गाली गलौज की गई है और अननेसेसरी दबाव दिया बनवाया गया है कि उनको उनके जो समर्थक हैं उनको अन्य अन्य प्रकार के ठेके दिलवाने के लिए, और जिसके विरोध में उन्होंने तहरीर थाने में दी है। तो मदन सिंह बिष्ट जी ने हमारी सरकार पे आरोप लगाया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के इशारों पे जो एक काम कर रहा है यह द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक और ये राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिसका हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक जो द्वाराहाट से विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट जी, उनके द्वारा इतनी अभद्रता की जाएगी ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके रात में नशे की हालत में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अभद्रता की, ये बिल्कुल भी किसी देवभूमि के व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती है। वो हमारी देवभूमि को की पवित्रता को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो उनके शब्दों में इतनी गाली गलौच आदि का प्रयोग किया जा रहा है, इससे नहीं लगता कि वो देवभूमि के वासी हैं। और वो प्रदेश सरकार को जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौच इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य चौक खटीमा पर एकत्र होकर विधायक द्वाराहाट का पुतला दहन किया गया। और इसी प्रकार से इस पुतला दहन से यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी अभद्रता उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।